हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं मैंग जोशी एक और वीडियो के साथ आ चुका हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे हैक कर सकते हैं WCC2 गेम को हैक ऐप डेटा की मदद से। यानी कि दोस्तों, आप उसमें अनलॉक कर सकते हैं, स्टेडियम्स अनलॉक कर सकते हैं, टूर्नामेंट्स को भी अनलॉक कर सकते हैं, और जो कस्टमाइजेशन पैक जो कि आपको ख़रीदना पड़ता है कुछ ज़्यादा ही रुपीज़ में, उसको भी आप अनलॉक कर सकते हैं फ्री में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी वक्त को ज़ाया करें। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में जो एक APK की लिंक मिलेगी, उस APK की लिंक को आपको अपने मोबाइल में डाउनलोड करना होगा। इसके बाद आपको उस APK को इंस्टॉल करना होगा अपने मोबाइल में, जो कि है ये हैक ऐप डेटा प्रो APK ऐप है। तो इसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा अपने फाइल मैनेजर में, और यहाँ पर आपको जाना होगा एंड्रॉयड में डेटा में नहीं जाना, आपको OBB में जाना है। और ये जो नेक्स्ट में मल्टीमीडिया का जो फोल्डर है, इसे आपको रीनेम कर देना है। इसके आगे आपको कुछ भी लगा देना है, जैसे कि यहाँ पर मैंने A लगा दिया है, और इसके बाद आपको ओके कर देना है। इसके बाद आपको बैक आ जाना है और अपना इंटरनेट कनेक्शन ऑन करके हैक ऐप डेटा एप्लीकेशन को ओपन करना है। इसके बाद आपको हैक यूज़र ऐप्स पर जाना है, तो यहाँ पर ये लोडिंग लेगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी ऐप्स आपके मोबाइल में हैं वो सारे यहाँ पर शो कर रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ WCC2 गेम पर क्लिक करना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर ये एक वर्किंग ले रहा है, वर्किंग लेने के बाद जो होगा वो मैं आपको वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो अभी यहाँ पर मैं इसको स्किप कर देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ी 2 या 3 मिनट की वर्किंग लेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जब आपकी वर्किंग कंप्लीट हो जाएगी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 मिनट का वक्त लगा है मुझे, तो आपके एंड्रॉयड वर्जन पर डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी हो जाएगा वो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन रिमूव पर क्लिक करना है, जिससे आपका WCC2 गेम का APK अनइंस्टॉल होगा, पूरा गेम अनइंस्टॉल नहीं होगा, APK अनइंस्टॉल होगा। उसके बाद अब वापस आपको इंस्टॉल पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जैसे आप इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर ये रीइंस्टॉलिंग होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये स्टैगिंग ऐप ले रहा है, और यहाँ पर आपको इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपका गेम जो है वो वापस से इंस्टॉल हो रहा है मोबाइल में। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐप हमारा इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पर ओपन नहीं करना है, डन पर क्लिक करना है और क्लोज़ कर देना है, और हैक ऐप डेटा को भी क्लोज़ कर देना है। दोस्तों, यहाँ पर हैक ऐप डेटा में वो रीइंस्टॉल करने के बाद आपको वापस से फाइल मैनेजर में जाना है, और यहाँ पर आपको वापस से जाना होगा अपने एंड्रॉयड में OBB में, और नेक्स्ट वेव मल्टीमीडिया के फोल्डर को फिर से रीनेम कर देना है। यानी कि यहाँ पर जो A हमने लगाया है उसको रिमूव कर देते हैं हम, और पहले जैसा था वैसा का वैसा ही कर देना है। इसके बाद इसे भी आपको क्लोज़ कर देना है। अब दोस्तों, यहाँ पर अगर आपने काफ़ी सारे वीडियोस देखे होंगे हैक ऐप डेटा से WCC2 को हैक करने के, तो वहाँ पर वो बताते हैं कि आपको 5 बॉल खेलनी होती है, और सब सारे कस्टमाइजेशन पैक्स और टूर्नामेंट्स वो सब देखने होते हैं। तो वो सब आपको देखना है, और कैसे देखना है वो नहीं बताते वो आपको। तो ये सब चीज़ें आप जब करेंगे, तो आपको ऑनलाइन अपने इंटरनेट कनेक्शन को ऑन रख के ये सब चीज़ें करनी है, यानी कि ऑन रख के 5 बॉल्स खेलनी है आपको, और जो भी है वो सब करना है। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑन रखने से गेम लैग करता है, तो आपको क्या करना है, अगर आपका लैग करता है तो मैं बता रहा हूँ, तो आपको क्या करना है कि 10 सेकंड के लिए अपने इंटरनेट कनेक्शन को ऑन कीजिए और गेम को ओपन कीजिए, और उसमें 10 सेकंड के लिए ऐसे बस यहाँ पर होम पेज पर रहिए। ऐसा करने से आपका जो हो जाएगा, तो यहाँ पर अभी मैं स्किप कर देता हूँ, जल्दी से मैं वो कर लेता हूँ, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको 10 सेकंड के लिए इंटरनेट कनेक्शन ऑन रखकर आपको गेम के अंदर आ जाना है, जैसा कि यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। और उसके बाद आपको 10 सेकंड में क्या करना है, सबसे पहले तो आपको टूर्नामेंट्स को ओपन करना है और उन सबको देख लेना है, टूर्नामेंट को यहाँ पर इस तरह से। इसके बाद आपको क्विक प्ले मैच चूज़ करना है, कोई सा भी 2 ओवर का कर लीजिए, गेम आपको खेलना ही है, यानी कि 10 सेकंड के लिए खेलना है। और यहाँ पर आपको कोई सा भी ऐसा कुछ चूज़ कर लेना है, स्पेंड कॉइन पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको कस्टमाइज़ में जाना है, और जितने भी यहाँ पर आपको कस्टमाइजेशन पैक्स जो दिख रहे हैं
उन सभी को एक बार देख लेना है। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, तो ये देखो जैसे जो भी लॉक्ड जो है ना उन सबको आपको देख लेना है, जैसा कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं जल्दी से ये सब देख लेता हूँ कौन से लॉक्ड है। इसके बाद आपको क्या करना है कि गेम को ओपन कर लेना है और 5 बॉल्स खेल लेनी है। तो यहाँ पर मैं अभी आपको वो दिखाऊंगा नहीं, मैं जल्दी से स्किप कर देता हूँ। तो दोस्तों इंटरनेट ऑन करके 10 सेकंड तक उसमें टूर्नामेंट्स और वो सब देखने के बाद आपको क्या करना होगा कि आपको अब आ जाना होगा, इंटरनेट ऑन रखिएगा और हैकअप डेटा में आ जाना होगा। इसके बाद आपको हैक यूज़र ऐप्स पर जाना होगा और यहाँ पर ये मैंने क्या कर रखा है, ओके हाँ, और यहाँ पर आपको WCC2 में जाना होगा। इसके बाद आपको प्रेफरेंस में जाना होगा। इसके बाद आपको जो सेकंड नंबर पर जो दिख रहा है ये वाला ध्यान रखिएगा, com.nextware.wcc2version2.player-preference, इस पर जान लेने के बाद आपको सबसे पहले आपको यहाँ पर 4 फाइल्स को ढूंढना होगा, 4 ऐसे लिखे हुए होंगे। तो सबसे पहला जो होगा वो होगा ये UTOR, ये UTOR यहाँ पर लिख रखा है। तो मैं सीधा आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर UTOR में आने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि आपको 00 कुछ दिख रहा है, एक मिनट दोस्तों, हाँ तो UTOR में आपको जो 00 दिख रहे हैं इनकी जगह आपको लिखने हैं 1। तो कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पर हर 0 के आगे 1 लिख, 0 को रिमूव करके 1 लिख कर सेव करके क्लोज कर देना है। तो फर्स्ट हो गया UTOR। इसके बाद आपको ढूंढना है ये कस्टमाइजेशन से, और इस पे भी आपको यही करना है, 0 को हटाकर 1 लिख देना है, सॉरी ये क्या खुल गया, 0 को हटाकर 1 लिख देना है और सेव करके क्लोज कर देना है। इसके बाद आपको ढूंढना है UT टूर्नामेंट में भी आपको सेम ही करना है, यानी कि सब में सेम ही करना है, वैसे 0 को हटा के आपको 1 लिख देना है, ये लिख दिया 1, सेव करके क्लोज कर देना है। और आखिरी जो है वो है अपना UT स्टेडियम है, तो वो ये रहा नीचे। अब यहाँ पर भी ये जितने भी 0 है आपको सबको, अगर आप सब स्टेडियम अनलॉक करना चाहते हैं तो आपको सबको 1 करना होगा। तो मैं जल्दी से यहाँ पर कर देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर मैंने सारे 0 को हटा के 1 लिख दिया है। इसके बाद आपको इसको भी सेव और क्लोज कर देना है। याद रखिएगा UT स्टेडियम, UT टूर्नामेंट, कस्टमाइजेशन शेप और UTOR, 4 चीज़ें आपको ढूंढकर 0 हटा कर 1 करना है। इसके बाद आपको हैकअप डेटा को क्लोज कर देना है और अपना इंटरनेट कनेक्शन भी ऑफ कर देना है। अभी हम चलते हैं गेम के अंदर एक आपको दिखाने प्रूफ। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं अभी गेम के अंदर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 3500 रुपीज़ है, 0 XP है। और अभी यहाँ पर मैं टूर्नामेंट पर जैसे ही क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं कि सारे टूर्नामेंट जो है वो अनलॉक्ड है। तो अभी यहाँ पर देख लीजिए, NPL को खोल के भी दिखा दूँ मैं आपको, अनलॉक्ड है। तो ये तो हो गई टूर्नामेंट की बात। अब हम चलते हैं, इंडिया चूज़ करूँगा मैं इस बार। अब हम चलते हैं कस्टमाइजेशन चिप, और ये आ गए हमारे स्टेडियम्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले 100 गोल्ड कॉइन्स लिख रखा था, लेकिन अभी यहाँ पर ये बिल्कुल फ्री है और सारे फ्री है और सारे अनलॉक्ड हैं। ये देखिए लास्ट तक दिखा देता हूँ मैं आपको, जितने भी स्टेडियम्स थे वो सारे में हमने अनलॉक कर दिए। तो अभी यहाँ पर मैं एक चूज़ भी कर लेता हूँ। इसके बाद आप देख सकते हैं कि हम अभी आ चुके हैं कस्टमाइजेशन में, मैं जा रहा हूँ और इसको इसका फेस बनाते हैं। अभी देखो क्या ख़तरनाक फेस बनाऊँगा मैं। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि नीचे तक ये देखिए सारे अनलॉक्ड हो चुके हैं। ये देखो ये दाढ़ी वाला पहले लॉक्ड था, ये सब कुछ अनलॉक हो चुका है। अभी टोपी भी अनलॉक हो गई है यहाँ पर। तो ये देख लीजिए, गब्बर बना देते हैं इसको भी मैं, ये तो कुछ अजीब ही लग रहा है। हाँ ये ढंग चश्मे भी अनलॉक्ड हो गए हैं, क्या बात है यार, एकदम इसको गदर ही बनाएंगे। और ये जो टैटूज जो थे वो भी अनलॉक हो गए हैं, और इसमें घोड़े वाला टैटू मुझे काफ़ी ख़तरनाक लगा। तो ये अभी हो गया है हमारा अजिंक्या रहाणे। तो कैसी लगी वीडियो आपको दोस्तों, कैसा लगा ये हैक ऐप डेटा एप्लीकेशन, और कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना मैं, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।